Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aaj main baat karunga leave ke bare mein. Education department mein kaun kaun si leaves hain aur kaise hum us pe apply kar sakte hain, aaj main is pe discuss karunga. Sabse pehle baat karenge number 1 pe leave aati hai jise hum kehte hain casual leave. 25 दिन कैजुअल लीव है ऑल अलाउड इन अ ईयर. एक साल में आप 25 छुट्टियां ले सकते हैं. यू कैन टेकन 10 डे लीव. अगर आपने 10 दिन की छुट्टी लेनी है तो आपको अपने डीडीओ से लेनी पड़ेगी. अगर इसने आप उससे 15 दिन से छुट्टी लेनी है तो इसे आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो छुट्टी देगी. इसके बाद हम बात करते हैं अर्नड लीव की, ई लीव जिसे कहते हैं. यू हैव अर्नड ऑफ बोनस ऑफ 120 डे आफ्टर 10 ईयर. इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक साल में 12 छुट्टियां होती हैं जो आपके बोनस में आती हैं. अगर आपकी सर्विस 10 साल होगी है तो आप उसको ज़रब 12 देंगे तो 120 दिन आपकी अर्न लीव बन जाएगी. इसके अलावा इन छुट्टी को आप 180 दिन बट विद मेडिकल सर्टिफिकेट. इसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में. इफ़ यू कैन सर्विस, 5 साल आपकी अगर सर्विस हो चुकी है तो 2 साल तक आप लीव ले सकते हैं विद आउट पे, यानी अर्नड लीव विद आउट पे. आप ये वो छुट्टी होती है अगर आपकी सर्विस 5 साल हो गई है तो आप उसमें 2 साल तक लीव ले सकते हैं विद आउट पे. इसके अलावा आगे चलते हैं. एक छुट्टी होती है स्पेशल लीव नॉट डिडक्टेड फ्रॉम योर बोनस. बोनस मीन वो छुट्टी होती है जो आप एक साल की 12 छुट्टियां होती हैं वो उसमें से ये छुट्टियां मिनहा नहीं होती. जैसे मेटर्निटी लीव ऑफ द 19 फीमेल 2 टाइम इंटाइटल एंट्री सर्विस विद फुल पे. साल में 2 दफ़ा, मतलब अपनी सर्विस में 2 दफ़ा 3-3 माह की छुट्टी मेटर्निटी लीव ली जा सकती है. इसी तरह पार्शनली लीव ऑफ 15 दे, ये भी एक अलहदा छुट्टी हो सकती है. इसके अलावा हज लीव है जिसे हम एक्स पाकिस्तान लीव कहते हैं, ये 40 दिन तक ली जा सकती है. इसके अलावा एक और है इद्दत लीव जिसे हम 130 दिन तक सर्विस विद पे ऑफ फीमेल जो है ना विद फुल पे ले सकती हैं. इसके अलावा एक होती है सिक लीव ऑफ 19 डेज ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट, जरिए 19 डे के लिए ली जा सकती है. इसके अलावा हॉस्पिटल लीव की बात की जाए तो 6 महीने इन केस यू मेट एनी एक्सीडेंट की सूरत में 6 महीने तक आप पे ले सकते हैं. इसके अलावा आपने हाफ पे लीव, इफ यू वांट टू टेक मोर ई लीव यू कैन बट ऑन हाफ पे. ये हाफ पे आप इसमें ले सकते. इसकी मिसाल मैं आप ऐसे दूंगा कि अगर आपकी 3 महीने छुट्टी बचती है तो आप हाफ पे के जरिए 6 महीने ले सकते हैं. इसके अलावा एक और है स्टडी लीव. यू कैन अप्लाई आफ्टर यू बिकम परमानेंट टेल, जब आप सर्विस आपकी परमानेंट हो जाए तो आप 2 साल के लिए नॉर्मली इस छुट्टी को भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें भी आपकी पे नहीं कटेगी, फुल पे आपको मिलेगी. इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं जो इसमें लेस होती हैं. ये आज की लीव थी जो कि आप इसको आप रीड भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं तसल्ली से कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये मुख्तसर सी लीव्स हैं जो आप ले सकते हैं, विद पे भी ले सकते हैं और विद आउट पे भी ले सकते हैं. थैंक यू फॉर जाने का सलाह.